विधानसभा चुनाव 2018 में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में जागरूकता के प्रयास किए जा रहे हैं। खंडवा जिला निर्वाचन कार्यालय के तत्वाधान में चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रमों पर पेश है ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2018 को लेकर खंडवा जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा भी मतदाता जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय के तत्वाधान में चलाए जा रहे इन कार्यक्रमों में सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल होकर अपनी सहभागिता दे रहे हैं। इसी सिलसिले में खंडवा नगर निगम प्रांगण में जिला निर्वाचन की टीम और GDC कॉलेज के छात्रों द्वारा युवा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं को उनके वोटिंग अधिकार का महत्व बताया गया। टीम द्वारा जिले में अलग अलग इलाकों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के बाद युवा छात्रों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक मतदान को लेकर शपथ दिलाई गई। ये हमने नगर निगम चौराहे पे किया था। हमारे कॉलेज में एक ELC क्लब का आयोजन मतलब गठन हुआ है, जिसके अंतर्गत हमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करना था, जिसमें एक प्रतियोगिता नुक्कड़ नाटक भी थी, जहां हम जगह जगह जाके जहां कम वोट डाले जाते हैं वहां जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अभी तो सरकार ने एक मशीन निकाल दी जिसके द्वारा हम जिसको वोट डाल रहे हैं वो भी देख सकते हैं कि हमारा वोट उसी को गया है या किसी और को तो नहीं गया है। ये खंडवा जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में स्वीप के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है, जिसमें समस्त शैक्षिक संस्थाएं भी हमारे साथ जुड़ करके इस स्वीप में मतदाता जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। तो जहां जहां पे खंडवा के स्थानीय वार्डों में भी जहां जहां मतदान कम हुआ है और जो हमारे व्यस्तम चौराहे हैं वहां पर इन क्यों द्वारा भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्राओं के द्वारा यहां पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें मतदाताओं को जागरूक किया गया कि वे अपने घर से 28 नवंबर 2018 को बाहर निकलें और अपने घरों से निकल के अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित होकर के मतदान करें, ताकि खंडवा जिले में इस बार 100% मतदान किया जाए।